यूपी के फिरोजाबाद में पानी के लिए संग्राम हो गया। पुलिस को लोगों पर लाठियां चलानी पड़ी और भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। शुरुआत तब हुई जब एक पानी की पाइपलाइन की मरम्मत की मांग लेकर लोग धरने पर बैठे और रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई तो लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस और पब्लिक के बीच जंग शुरू हो गई। एक तरफ भीड़ पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगी तो दूसरी तरफ पुलिस वाले पत्थरों से बचने के लिए भागते दौड़ते दिखने लगे। एक थानाध्यक्ष तो पत्थर लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए ले जाना पड़ा, लेकिन जंग चलती रही। इस पत्थरबाजी के चक्कर में 6 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। झगड़ा केवल एक पानी की टंकी के पास पाइपलाइन टूटने का था। इनमें किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने हमारी टंकी तोड़ दी। हमारे यहाँ का 2 दिन से पानी बंद है। लेकिन जब पुलिस के बड़े अफसरों को खबर मिली तो उन्होंने ताकत की बजाय दिमाग से काम लिया और पुलिस फोर्स बुलाने के बजाय लोगों से बात करने के लिए खुद घटना वाली जगह पर पहुंच गए। लोगों से बात की गई और उनकी पाइपलाइन ठीक करवाने का काम शुरू कर दिया गया। मांग पूरी हो गई तो लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जो सरकारी गाड़ियां हैं, खानदान की जा रही है। लेकिन इस हंगामे के चक्कर में एक रोडवेज की बस भी फंस गई। बस के शीशे बुरी तरह टूट गए। गरिमत ये रही कि बस में बैठे लोगों को चोट नहीं लगी। देश भर में ICMR एक बड़ा सेरो सर्वे करवाएगी। सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि कितनी बड़ी आबादी में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बन चुकी है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इस बार होने वाले सेरो सर्वे में आधे सैंपल बच्चों के लिए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को सेरो सर्वे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से भी सैंपल लेने पर जोर होगा। इसे कोरोना की तीसरी लहर के लिए देश की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले देश में 3 बार सेरो सर्वे कराए जा चुके हैं और 4th सर्वे इसी महीने कराया जाएगा। सेरो सर्वे में व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसमें एंटीबॉडी की जांच की जाती है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है। यही एंटीबॉडी शरीर में वायरस से लड़ती है। पहला सेरो सर्वे पिछले साल मई जून में कराया गया था। उस वक्त 1% से भी कम आबादी में एंटीबॉडी मिली थी। दूसरा सेरो सर्वे पिछले साल अगस्त और सितंबर में हुआ, तब यह आंकड़ा 7% पर पहुंच गया था। और दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच हुए सेरो सर्वे में 21% आबादी के शरीर में एंटीबॉडी होने की बात सामने आई। बिहार के मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान सुरक्षा बल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि वहां एक जवान ने बाहर घूम रहे एक लड़के को पीट दिया, जिससे आसपास के लोग भड़क गए और सड़क पर ही हंगामा करने लगे। और जब उन लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई तो वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने सुरक्षा बल के कुछ जवानों को घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस हमले का अंदेशा उन जवानों को भी नहीं था। हालांकि सुरक्षा बल का एक जवान उन लोगों से शांत रहने की अपील करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दिए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो चुपचाप वहां खड़े नजर आए। इस हंगामे की वजह से सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। थोड़ी ही देर में ट्रैफिक जाम होने लगा। इसके बावजूद बवाल नहीं थमा। काफी देर बाद कुछ लोगों के समझाने पर मामला शांत हो सका। उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर में ही बच्चों पर खतरा बढ़ने लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि अकेले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दायरे में बच्चे बहुत तेजी से आ रहे हैं और बीते मई महीने में ही वहां 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की जद में आए, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे कोरोना से बीमार पड़े, जबकि 1 से 12 साल की उम्र के करीब 2700 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 12 से 18 साल की उम्र वाले 6,000 बच्चे कोरोना की गिरफ्त में आए। इसके बाद वहां प्रशासन ने बच्चों को दूसरी लहर से बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी। स्पेशल वार्ड जो है, पेडियाट्रिक वार्ड बनाने का हमने प्रोविजन किया है। जो भी मेडिसिन इसके लिए लगेंगे उसके लिए प्रावधान करने की हमने तैयारी की। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दुल्हन ने अपनी शादी की खुशी में खुलेआम फायरिंग की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जो 30 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दुल्हन जयमाल से पहले हवा में गोली चलाती दिखी। इससे पहले वो अपने करीबियों के साथ मंच के पास पहुंची, जिसके बाद दूल्हे ने उसके बाएं हाथ को थाम लिया। इसी बीच दुल्हन ने अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ मंच पर चढ़ गई और शादी की बाकी रस्मों को उसने अदा किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया।
जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश हुई तो कहीं ओले भी गिरे, जिसकी कुछ तस्वीरें कुपवाड़ा से भी सामने आई, जहां तेज बारिश के साथ अचानक ओले गिरने लगे। इन हालात में घरों से बाहर मौजूद लोग समझ नहीं पाए कि वो सिर छिपाने के लिए कहां जाएं। वहां सड़क पर पानी के साथ बिखरे ओलों को देखकर ऐसा लगा जैसे कपड़े धोने का सफेद पाउडर फैला हो। कुछ इसी तरह बारामूला में भी ओले गिरे। वहां मौसम के अचानक बदले मिजाज से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कई जगहों पर सेब की फसल बर्बाद हो गई। राजधानी श्रीनगर से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें दिन में ही अंधेरा छा गया। लोगों के लिए हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना मजबूरी बन गया। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी। और कुछ इसी तरह के हालात का सामना बिहार की राजधानी पटना के लोगों को भी करना पड़ा, जहां बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से पटना के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। पेड़ों की टहनियां और पत्ते ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हल्का फुल्का खिलौना हो। हवा की रफ्तार का अंदाजा जगह जगह टूटकर गिरे पेड़ों से ही लगाया जा सकता है। लोगों का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया। एक जगह तो तेज हवा और बारिश की वजह से बीच रास्ते में दो बैरिकेड गिरे मिले। इन हालात में लोगों को ड्राइविंग करने में भी काफी दिक्कत हुई। आसमान में काले बादल छाए रहे, जिस वजह से गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। जयपुर में समाज सेवी हाजी रफावत अली के जनाजे में कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया, क्योंकि उसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद 11 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। हाजी रफावत जब जिंदा थे तो उन्होंने कोरोना नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जब उनका जनाजा निकला तो उसी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गईं। समाज सेवी होने के नाते हाजी रफावत अली लोगों से अपील करते थे कि वो कोरोना निर्देशों को माने, लेकिन उनके अपने जनाजे का जो वीडियो वायरल हुआ उससे हड़कंप मच गया, क्योंकि उसमें 10-20 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। आलम यह था कि उस समय न किसी को ठीक से मास्क पहनना याद रहा, न एक दूसरे से दूरी बनाना, और तो और पुलिस वाले भी बस तमाशा देखते नजर आए, क्योंकि उनके सामने ही हजारों लोग कोरोना को दावत दे रहे थे और वो खड़े खड़े देख रहे थे। हैरानी तो इस बात की है कि जनाजे में बच्चे भी शामिल हुए, जिन्हें न ही किसी बड़े ने और न किसी पुलिस वाले ने भीड़ का हिस्सा बनने से रोका। इस बीच वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला कर दिया और उस पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा, इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। जबकि पुलिस की दलील है कि उसके लाख समझाने के बावजूद कुछ लोगों ने मनमानी की, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने समाज सेवी के जनाजे में उमड़ी भीड़ के मामले में एक विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए आबकारी नीति 2021 में संशोधन किया, जिसके तहत मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑर्डर कर शराब मंगाई जा सकेगी, लेकिन शराब की डिलीवरी किसी हॉस्टल और दफ्तर में नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए होम डिलीवरी पर विचार किया था, मगर मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी आसान नहीं थी, इसलिए इस बार आबकारी नीति में संशोधन किए गए, जिसमें शराब की होम डिलीवरी वही दुकानें कर पाएंगी जिनके पास खास तरह का L13 लाइसेंस होगा। हालांकि अब तक दिल्ली में न तो कभी किसी को पहले L13 लाइसेंस दिया गया और न ही अभी ये लाइसेंस किसी के पास है, मगर ये फैसला सामने आते ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले लिया। तो आपने राशन नहीं दिया, आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, आपने इलाज नहीं दिया, लेकिन शराब देने के लिए घर घर आपने जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से दिल्ली के जले पे नमक है। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में आम आदमी पार्टी ने भी देर नहीं लगाई और उसने आबकारी नीति पर सरकार के फैसले का बचाव किया। जैसे उन्होंने MCD में पूरा का पूरा माफिया का सिस्टम बनाया था, ऐसे लगता है आबकारी नीति में भी उनके माफिया थे, और जब वो माफिया खत्म हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुल गए, जिसकी कुछ तस्वीरें मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से भी सामने आई, जहां लोगों ने कोरोना निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दर्शन किए। हालांकि मंदिर में पहले के मुकाबले श्रद्धालु कम ही दिखे। अनलॉक होने के बावजूद भी जो श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर है वो पूरी तरीके से खाली है। मंदिर में एंट्री से पहले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। दिन गुजरने के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्तों की संख्या बढ़ गई, लेकिन कोरोना निर्देशों के पालन में कोताही नहीं बरती गई। कई दिनों बाद मंदिर पहुंचकर लोगों ने माथा टेका, लेकिन एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन की इजाजत मिली। अच्छा लगा कि व्यवस्था बनाई हुई है इन लोगों ने। कुछ इसी तरह मिर्जापुर में मौजूद विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन मंदिर में होता दिखा। सैनिटाइजर के साथ
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति मंदिर के भीतर जाएं। लंबे वक्त बाद भक्तों की मौजूदगी में मंदिर में आरती हुई। हालांकि ये मंदिर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगा, शनिवार और रविवार को इसे बंद रखा जाएगा। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही रैंडम कोरोना टेस्ट भी शुरू हो गए। वहां अनलॉक के पहले फेज में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट खोलने की अनुमति दी गई, जिसकी खबर मिलते ही आसपास के राज्यों से मजदूर दिल्ली पहुंचने लगे। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी, जिसका मतलब ये हुआ कि इन जगहों पर आने वाले लोगों का वहीं पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस काम में मोबाइल टेस्टिंग वैन भी लगाई गई, जिसमें बैठकर स्वास्थ्य कर्मी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहुंचे और वहां कैंप लगाकर मजदूरों की जांच शुरू कर दी। एक नहीं, ऐसी कई सारी मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचती है पूरी टीम के साथ, और इसी तरीके से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये मजदूर एक महीने के लॉकडाउन के बाद रोजी रोटी की तलाश में फिर से दिल्ली लौटे हैं। धीरे धीरे काम चालू हो रहा है, इसीलिए हम अपने काम पे आ गए। इन लोगों का दिल्ली पहुंचने पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों तरह का टेस्ट किया जा रहा है। दावा है पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक सरकारी गाड़ी में कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने सफाई दी। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया, जो राज्य के रायसेन जिले के एक गांव में बनाया गया, जिसमें 3 लोग एक सरकारी गाड़ी में बैठकर शराब पीते दिखे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पता चला कि गाड़ी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की है, जिसमें बैठकर 3 लोग मौज मस्ती करते नजर आए। जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन रायसेन में बारिश हुई थी और एक गांव वाले ने सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों की करतूत का वीडियो बना लिया था। उसने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से सवाल पूछने लगा, जिसके बाद उसने अपने सरकारी कर्मचारी होने की धौंस जमाई। मोटर बजाने की परमिशन है? सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि बहस के बीच उसके बगल में बैठे शख्स का शराब पीने का वीडियो बन चुका है। उसने शराब का एक घूंट लेने के बाद बोतल पीछे की सीट पर बैठे आदमी को पकड़ा दी। हालांकि चोरी पकड़ी जाने पर इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई, उल्टा वो और हेकड़ी दिखाने लगे। गाड़ी चलाने वाला शख्स तो धमकाने वाले अंदाज में बात करते हुए वहां से जाने की कोशिश करने लगा। सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है, तुम अपना काम करो। ये देखते ही वीडियो बनाने वाले ने गाड़ी की चाबी घुमा दी, जिसके बाद सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि उन्होंने ये जताने की पूरी कोशिश की कि वो किसी से नहीं डरते और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। ओए, बंद कर गाड़ी पहले। भैया चाबी बंद कर गाड़ी। हाँ तो मत लगा देना गाड़ी में। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बताया कि ये गाड़ी उनकी है और गाड़ी में बैठा एक शख्स उनका चपरासी है, जिसे उसकी गलती की सजा दी जा चुकी है। हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। हालांकि बाकी के 2 लोगों के बारे में प्रभुराम चौधरी को कुछ खास पता नहीं था। CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने छात्रों को ये बड़ी सौगात दी। News18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। ये फैसला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सेहत और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है और इसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। बैठक में फैसला लिया गया है कि समय के हिसाब से 12वीं के नतीजे तय किए जाएंगे, जिसके लिए उचित मानदंडों का ख्याल रखा जाएगा। इससे पहले PM की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा शिक्षा सचिव अमित खरे और CBSE बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद रहे। इस बीच CBSE के बाद ICSE बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एम्बुलेंस में शराब ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों की इस चाल की भनक पुलिस को पहले ही लग चुकी थी, जिसके बाद वो उस एम्बुलेंस के पीछे लग गई। काफी दूर तक पुलिस वालों ने उसका पीछा किया, इसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में अपनी गाड़ी शराब से भरी उस एम्बुलेंस के सामने खड़ी कर दी। फिर बीच रास्ते में उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस के जवानों को गाड़ी के अंदर से शराब की कई बोतलें मिली, जिसके बाद इन्हें ले जा रहे दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि पकड़े गए ये लोग काफी वक्त से एम्बुलेंस की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। दिल्ली के लोगों को सख्त लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी गई। सड़कों पर जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती ये देखने के लिए रही कि थोड़ी सी छूट मिलने पर लोग लापरवाही बरतना शुरू न कर दें। इसीलिए ज्यादातर अहम रास्तों पर पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर तैनात रहे। सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों को आवाजाही की छूट दी है, इसलिए प्राइवेट नंबर प्लेट वाली हर गाड़ी को रोककर पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करते रहे और उनके बाहर निकलने की वजह पूछते रहे। कहाँ जाना है आपको? वैक्सीनेशन के लिए।
वैक्सीनेशन के लिए जाना है और ये इस बाबत दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट है आज का। यहाँ तक कि बसों को रोककर पुलिस वाले देखते रहे कि सावधानी बरती जा रही है या नहीं। दिल्ली पुलिस जो है वो DTC बसों को भी रुकवाकर चेक कर रही है कि इन बसों में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी कई जगहों पर तैनात किए गए। यहाँ तक कि VVIP इलाकों में भी कोई रियायत नहीं बरती गई। पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है और इस तरीके का आलम यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी आपको दिखेंगे। यानी जो दिल्ली में अनलॉक हुआ है उसका गलत फायदा कोई ना ले। पुलिस और सरकार की चिंता ये है कि कहीं छूट मिलते ही लोग लापरवाह न हो जाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई जहां इलाके के कुछ दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी एक घर के अंदर से कुछ लोगों को पीटते हुए बाहर की तरफ लाते दिखाई दिए। मारपीट कर रहे इन लोगों ने घर की एक महिला को भी नहीं बख्शा। जमीन पर गिरी उस महिला पर दबंगों ने डंडों से वार किया। इस दौरान परिवार के कुछ लोगों ने उनका मुकाबला करने की कोशिश तो की, लेकिन डंडों की मार के सामने वो भी नहीं टिक पाए। काफी देर तक आरोपियों ने उस घर के बाहर डेरा जमाए रखा। 4-5 लोग आए, मारपीट की। बताया गया कि इस घटना में एक गर्भवती महिला समेत परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी।